Bloody Mary. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम. आप सभी का स्वागत है नो लॉजी में. आप देख रहे हैं अनएक्सप्लेन सीक्रेट्स का थर्ड वीडियो. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लडी मैरी के बारे में. ब्लडी मैरी ये कोई शैतान है कि भूत है कि प्रेत है कि डायन है, इसके बारे में कोई एग्जैक्टली जानता तो नहीं. लेकिन एक पुरानी फोक टेल के हिसाब से ब्लडी मैरी असल में पुराने जमाने में एक प्रथा हुई करती थी, जहाँ पर उस प्रथा में एक अविवाहित महिला मतलब एक अनमैरिड वुमेन को एक हाथ में मिरर लेके और दूसरे हाथ में जलती हुई कैंडल लेके अंधेरे में उल्टा सीढ़ी चढ़ना पड़ता था. और ऐसा माना जाता है कि इस प्रथा के दौरान उस मिरर में उस महिला का जो फ्यूचर हस्बैंड हुआ करता था, मतलब जो इंसान भविष्य में उसका पति बनने वाला था, उसका चेहरा उस मिरर में दिख जाता था. और क्योंकि इसमें बुरी ताकतें इन्वॉल्व हुई करती थी, तो इस वजह से कभी कभी उसमें कंकाल दिख जाता था, कोई चुड़ैल दिख जाती थी. और जिसका मतलब ये होता है कि उस महिला का जो फ्यूचर हस्बैंड है वो उससे शादी करने से पहले ही मर जाएगा. अब ये तो बात हो गई पुराने जमाने की, लेकिन आज के जमाने में ब्लडी मैरी को लेकर क्या हो रहा है इसके बारे में अब बात करते हैं. तो आज के जमाने में ऐसा कहा जाता है कि जब आप डेविल आर के दौरान, डेविल आर के बारे में बता दूं, डेविल आर रात के 3 बजे के आसपास होता है. तो जब आप डेविल आर के दौरान एक हाथ में कैंडल लेकर मिरर के सामने 3 बार घने अंधेरे में ब्लडी मैरी पुकारेंगे, तो एक चुड़ैल आपके सामने मिरर में प्रकट होगी और वो आपके ऊपर हमला कर देगी. ऐसे इंसिडेंट हाल फिलहाल में काफी हुए हैं और कुछ लोग इन इंसिडेंट से बचे भी हैं और कुछ लोगों को काफी चोटें भी आई हैं. तो जो लोग बचे हैं उनका ये कहना है कि जब ये इंसिडेंट के दौरान जब उनके सामने वो चुड़ैल प्रकट होती है, तो चुड़ैल सिर्फ उनको घूरती रहती है खून में लथपथ होके, और फिर बाद में उनको घूमते हुए वो कुछ कहती है, उन्हें कुछ ऐसा संदेश देना चाहती है, ऐसा वो रिएक्ट करती है चुड़ैल. अब हम बात करते हैं कि साइंस का क्या नजरिया है ब्लडी मैरी को लेके. तो साइंस ये कहती है कि ब्लडी मैरी करके कोई चीज नहीं होती, ये बस एक फिनोमिना है जो यहाँ पे काम करता है, और उस फिनोमिना का नाम है साइंस में सेल्फ हिप्नोटिज्म. अब सेल्फ हिप्नोटिज्म कब होता है? जब भी आपका मन जैसे भारी है, ज्यादा स्ट्रेस है, ज्यादा टेंशन है, और आप इस भारी मन के साथ अगर आप शीशे में लगातार घूरते रहेंगे तो आपके सामने कभी कभी अनचाही आकृतियां आ जाती हैं, और इसी फिनोमेना को कहा जाता है सेल्फ हिप्नोटिज्म. कई सारे केसेस आए और साइंस ने इस केसेस में यही कहा कि ये असल में सेल्फ हिप्नोटिज्म का शिकार है. लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का ब्लडी मैरी को लेकर एकदम अलग ही नजरिया है. उनका ये कहना है कि ब्लडी मैरी करके असल में पहले एक डायन हुआ करती थी, जिसने ये साफ दिया था कि अगर कोई भी मेरा नाम मिरर में अगर 3 बार लिया तो मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगी. अब एक और कहानी जुड़ी है ब्लडी मैरी से. वो कहानी ये है कि ब्लडी मैरी करके पहले एक महिला हुआ करती थी, जिसके अपने पति के साथ संबंध ठीक नहीं थे, और जब उसे मालूम पड़ा कि उसके पति के संबंध किसी और गैर महिला से, तो उसको मिसकरेज हो गया और उसने इसी दुख में सुसाइड कर लिया. और आज यही माना जाता है कि वही महिला हमारे सामने मिरर में आ जाती जब हम 3 बार उसका नाम पुकारते हैं, यानी कि ब्लडी मैरी. मैं आशा करता हूँ कि आपको जानने मिला हो ब्लडी मैरी के बारे में. वैसे अगर आपको कुछ मालूम हो ब्लडी मैरी के बारे में तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, रोचक लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, अपने दोस्तों के पास, अपने परिवार वालों के पास प्लीज़ शेयर करें. और अगर आप नए आगे मेरे चैनल पर, तो ऐसे मिस्टीरियस वीडियो के लिए सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ चैनल को ना जाए. और मैं आपसे मतलब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डरावने फैक्ट्स के साथ और कुछ नई डरावनी बातें करेंगे. तब तक लिए गुड बाय, स्टे ट्यून्ड विद नो लॉजिक.